हेलो व्यूअर्स, जो आज का टॉपिक है वो है नाउन। नाउन जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो नाउन क्या है? अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और इवेंट्स इज कॉल्ड एज अ नाउन। मतलब कि नाउन में वो सारे वर्ड्स आ जाते हैं जिनसे कि हमें किसी पर्सन के बारे में पता चलेगा, किसी जगह के बारे में पता चले, किसी चीज के बारे में पता चले, किसी की क्वालिटी पता चले, कंडीशन पता चले, एक्शन या फिर इवेंट का पता चले। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिशा पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, मुंबई एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ड वर्किंग क्वालिटी है, पोलाइटनेस एक क्वालिटी है, फिटनेस एक कंडीशन है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है? नाउन है। अब हम देखेंगे कि नाउन को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब कि नाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें नाउन क्या है, दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज कंक्रीट एंड द सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन में वो सभी नाउन्स आ जाते हैं जिनको हम देख सकते हैं या फिर हम छू सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नाउन आता है कॉमन नाउन, सेकेंड इज कलेक्टिव नाउन, थर्ड इज प्रॉपर नाउन एंड द फोर्थ वन इज मटीरियल नाउन। सबसे पहले देखेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन में वो सभी चीजें आ जाएंगी। जब हम कॉमन बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल में बताया टाउन, स्कूल, टेबल। अब इसमें क्या है, हम कॉमन बात कर रहे हैं। टाउन का मैंने नेम नहीं बताया, स्कूल का मैंने नेम नहीं बताया, कौन सा स्कूल। जैसे मैं पूछ लू डू यू गो टू स्कूल, अब मैंने यहाँ सिंपल सेंस में बात की है, सिंपल मैंने स्कूल वर्ड यूज किया है, मैंने कोई नेम नहीं लिया कि स्कूल की बात कर रही हूँ। जब हम कॉमन बात करेंगे, ठीक है, तब उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। पर्टिकुलर सेंस में हम बात नहीं कर रहे, किसी चीज का नेम हम नहीं ले रहे। इसी तरह से टेबल, अब मैंने टेबल की बात की है तो जो कॉमन नाउन होते हैं उसमें क्या होता है कि ये अपनी प्रॉपर एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि टेबल जो है, अब टेबल कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? फर्नीचर, फर्नीचर में आता है टेबल, तो उसको रिप्रेजेंट कर देता है इनडायरेक्ट वे से। सेकेंड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में बाकी भी रूल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी प्रॉपर जगह या प्रॉपर पर्सन की बात करें, दैट इज प्रॉपर नाउन। जैसे कि देली, मिश्रा, ऊपर भी मैंने लिखी एग्जाम्पल मिशा, ठीक है, तो सॉरी यहाँ भी मिशा ही है। तो प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी प्रॉपर जगह की बात करें, प्रॉपर पर्सन, प्लेस, किसी की प्रॉपर सेंस में हम बात कर रहे हैं। कॉमन था जब हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बट प्रॉपर में हमने नेम मेंशन किया। अब दिल्ली एक जगह का नाम है, प्रॉपर प्लेस का मैंने नेम लिया, मिशा एक प्रॉपर पर्सन का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्कूल बताया, स्कूल मैंने किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं की, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। प्रॉपर जब हम किसी प्रॉपर पर्सन की, प्रॉपर जगह की बात करेंगे तब वो प्रॉपर नाउन होता है। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में सब सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इसे हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक, ठीक है। तो इसको आसानी से आप हिंदी में याद रख सकते हो। कॉमन नाउन होता है जो जाति को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टिव नाउन होता है जो एक समूह को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल होता है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जो कि किसी सब्सटेंस के लिए यूज होता है। अब लास्ट बचते हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, विच कैन ओनली बी फेल्ट। वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं, जैसे कि ब्यूटी है, काइंडनेस है, इन सब चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। अब जो भी मैंने ये डायग्राम बताई है या इससे एक और क्लासिफिकेशन आगे मैं बताने वाली हूँ, इसको आप इजीली याद रख सकते हो। इसको याद रखने के लिए मैंने छोटा सा तरीका बनाया है, CCPM अ। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था अ क्या होता है, अ रिप्रेजेंट करता है वन को, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, एक पर्सन ने सीसी के थ्रू पढ़ाई करके क्या किया, वो पीएम लग गया। एक पर्सन सीसी के थ्रू पढ़ाई करके पीएम लग गया। अब इससे देखो आपके सारे नाउन्स कवर हो गए हैं,
A stands for abstract, C common, again C collective, P stands for proper noun, M stands for material noun. ठीक है, ये जस्ट मैंने याद रखने के लिए आपके लिए बनाया है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है नाउन की वो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब जो काउंटेबल नाउन है उसमें क्या 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 चीजें आ जाती हैं? काउंटेबल नाउन में वो सभी चीजें आ जाती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3. ठीक है, तो इसमें हम 3 नाउन्स कवर कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन में वो सब चीजें आती हैं जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते. अब जो मटेरियल है, मैं ये तो नहीं कह सकती मेरे पास एक कॉपर है, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, हम इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हमने अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा है. सेम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मेनली हम फीलिंग्स को ले लेते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, तो दो तरह से नाउन को क्लासिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट जो था वो था कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट में वो सभी चीजें आएंगी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट में जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल में वो सभी चीजें आ जाएंगी जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो सब नाउन्स आ जाते हैं. कलेक्टिव नाउन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. अब इसमें मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन शेयर किए हैं. एक्चुअल में क्या होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं. जैसे कि अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के लिए क्राउड यूज होता है, लोगों की भीड़ के लिए. ठीक है, सॉरी, लोगों के लिए नहीं, लोगों की भीड़ के लिए हम यूज करते हैं क्राउड. सो क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन. इसी तरह से अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली. अ लॉक ऑफ हेयर, बालों की लट. अ टफ्ट ऑफ ग्रास, टफ्ट ऑफ ग्रास मीन्स घास का गुच्छा. कई बार अ टफ्ट ऑफ हेयर भी यूज हो जाता है बालों के गुच्छे को रिप्रेजेंट करने के लिए. अ राउंड ऑफ शॉर्ट्स, अब जो राउंड ऑफ है ये 3 तरह से यूज होता है, राउंड ऑफ शॉर्ट्स, अराउंड ऑफ ड्यूटीज, अराउंड ऑफ अप्लॉज. तो आपको याद रखना है, तीनों केसेस में आप अराउंड ऑफ यूज कर सकते हो. राउंड ऑफ शॉर्ट्स मीन्स बंदूक या तोप की गोलियों की वर्षा. अराउंड ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का समूह. अराउंड ऑफ अप्लॉज, प्रशंसा की वर्षा. अ पैनल ऑफ जजेस, जजेस का क्या होता है, पैनल होता है, न्यायाधीशों का समुदाय. या फिर हम यूज करते हैं अ ज्यूरी ऑफ जजेस. नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ, अ हर्ड ऑफ वर्ड जो है इसको हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, डियर, स्वाइन और कैटल के साथ. हर्ड ऑफ मीन्स हर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, समूह या झुंड को. अ हर्ड ऑफ डियर मतलब कि हिरनों का झुंड. अ हर्ड ऑफ स्वाइन मीन्स सुअरों का झुंड. अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब कि पशुओं का झुंड. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रूल्स शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये रूल्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं. टिल देन स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज. बाय बाय, थैंक यू.